नमस्कार, हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है धनतेरस और हम आज बनाने वाले हैं सूजी का लड्डू। वैसे भी हम इस बार सबकी दिवाली अलग ही होने वाली है, हम बाहर से जितना चीज़ें कम यूज़ करें उतना अच्छा, तो घर पे ही हम सूजी का लड्डू बनाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सबसे पहले कढ़ाई को गर्म कर लिया है, अब इसमें हम 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। तो हमने 3 टेबलस्पून घी डाल दिया है इसमें। अब हम इसमें काजू और किशमिश डालेंगे। तो हमने 1 टेबलस्पून काजू और 1 टेबलस्पून किशमिश लिया है, तो इसको हम हल्का रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें सूजी डालेंगे। तो मैंने इसमें 1.5 कप सूजी डाल दिया है। अब इसको चलाते रहिए, नहीं तो ये जल जाएगा, तो आप इसको चलाते रहिए। तो गोल्डन ब्राउन होने तक हमको इसको चलाते रहना है। तो ये मेरा तैयार हो गया है। तो अब हम सिरप बनाएंगे, उसके लिए हम 1/3 कप चीनी डाल रहे हैं और 1 कप पानी। सिरप तैयार हो गया है ऑलमोस्ट, और इसमें हम ऐड कर देंगे इलायची फ्लेवर के लिए। तो मेरा सिरप रेडी हो गया है, अब मैंने गैस बंद कर दिया है। अब सूजी का मिक्सचर इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद अच्छे से मिला लीजिए, उसमें सिरप उसमें अच्छे तरीके से मिल जाना चाहिए। सूजी का लड्डू आप भी बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। कैसा रहा ये लड्डू मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो दिवाली सबकी शुभ रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। नमस्ते, धन्यवाद। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और भी आने वाले वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार, हैप्पी दिवाली।